हेलो दोस्तों, एंडलेस जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम यूपी के चंदौली में स्थित लतीफ शाह डैम के पास स्थित हैं। दोस्तों, यह अपने देश का एक सबसे पुराना डैम है, जो कि सन 1921 में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, यह डैम कर्मनासा नदी पर बनाया गया है। जनरली लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने और खाना पीना बनाने और साथ में मौसम का एंजॉय करने आते हैं। दोस्तों, मानसून के समय में लतीफ शाह डैम पर आया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डैम पानी से भरा रहता है और डैम पानी के ओवरफ्लो होने की वजह से काफ़ी खूबसूरत लगता है। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारे पर्यटक आए हुए हैं और पानी में स्नान कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस डैम के चारों तरफ की खूबसूरती देखने लायक होती है। यह डैम चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। बरसात के दिनों में दोस्तों, जो बादल होते हैं वो यहाँ के पहाड़ों से टकराते रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। बनारस से इसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। और दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए आपको बनारस से पहले टेंगरा मोड़ आना पड़ेगा और टेंगरा मोड़ से आप वाया मुगलसराय और चकिया चंदौली होते हुए आ सकते हैं, या फिर टेंगरा मोड़ से ही डायरेक्ट चकिया के लिए आप रास्ता पकड़ सकते हैं। सामने डैम के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं, जो कि काफ़ी रिस्की भरा है। दोस्तों, अगर आप यहां पर आते हैं तो इस खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय कीजिए और किसी भी तरह का रिस्की काम ना कीजिए कि बाद में पछताना पड़े। फाइनली दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल एंडलेस जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही ढेर सारे ट्रैवलिंग वीडियोस दिखा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।